संबंधित सवाल में हमने देखा था कि दो तरीके से बातें चलती हैं। एक तो जब रेल चल रही हो वो किसी व्यक्ति को क्रॉस करे या पुल को क्रॉस करे, दूसरी बात कि एक व्यक्ति ट्रेन चल रही है, रेल चल रही है, सामने से कोई दूसरी रेल या दूसरा व्यक्ति आए या उसी की दिशा में कोई व्यक्ति जाए या दूसरी रेल जाए। तो जो पुल वाली बात थी, प्लेटफॉर्म की बात थी, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई की बात थी, उसपे हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, उसपे दो तीन क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो तीन क्वेश्चन और बात करेंगे और दो हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से, एक रेलगाड़ी मान लिया कि एक रेलगाड़ी चल रही है इस डायरेक्शन में चल रही है, विपरीत दिशा क्या होगा कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आए, यही होगा विपरीत दिशा। ये है आपकी गाड़ी, गाड़ी जा रही इधर और इसकी विपरीत दिशा में से 5 किमी की स्पीड से, 5 किमी पर आवर की स्पीड से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो इधर से आ रहा है। देखिए कल हमने बात किया था दो क्वेश्चन में कि अगर खंभा है बिजली का, कोई व्यक्ति है, तो उसकी मोटाई को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी मोटाई को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर खंभे की जगह कोई प्लेटफॉर्म रहे, दूसरी रेलगाड़ी रहे या पुल रहे, तब वहां पे उस डिस्टेंस को, उसकी लंबाई को हम डिस्टेंस में कवर करते हैं, प्लस करते हैं। उसके लिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि अगर दोनों मोशन वाली वस्तुएं, गाड़ी हो चाहे आदमी हो, चाहे दोनों गाड़ी हो चाहे दोनों आदमी हो, नथिंग मैटर, अगर दोनों मोशन वाली वस्तुएं आमने सामने आ रही हैं, तो जो इनकी स्पीड होगी, जो चाल होगी, वो बढ़ जाएगी। चाल क्या होगी, बढ़ेगी। और इसको याद नहीं रखना है, लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक कैसे लगा सकते हैं कि एक चीज इधर से आ रही, एक चीज इधर से आ रही, दोनों दौड़ेंगे, जब एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों और तेजी से आएंगे। तेजी से पास क्यों आएंगे, क्योंकि ये भी दौड़ रहा है, सामने वाला भी दौड़ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए चाल को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहां पे अगर टोटल चाल निकालनी रहे, टोटल चाल, तो टोटल चाल क्या आएगी भाई, अगर मान लें गाड़ी की चाल तो दी नहीं है, शायद गाड़ी की चाल नहीं दी है, और शायद यही बताना ही है, गाड़ी का चाल ही बताना है। तो चाल हमने मान लिया गाड़ी का कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये चाल दी हुई है किलोमीटर में। हाँ, टाइम यहाँ सेकेंड में है, तो टाइम को बदल लेंगे हम किसमें, आवर में। यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए चाल, दोनों की चाल कितना हो जाएगा, मान लिया ये एक्स है और ये कितना 5, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर यही दोनों एक ही दिशा में जाती है, गाड़ी एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आदमी 5 किलोमीटर की आवर की स्पीड से, अगर एक ही दिशा में जाते, तब यहाँ पे जो इनकी चाल होती वो एक्स माइनस 5 किलोमीटर पर आवर आती, चाल घट जाती, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल कम हो जाएगी, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल बढ़ जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, काम हो गया। आपको दिया क्या है, टाइम दिया है, तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है ये देख लेते हैं, टाइम कितना है, टाइम आपको दिया है 6 सेकंड, टाइम दिया है 6 सेकंड बराबर। डिस्टेंस कितनी, तो गाड़ी की चाल, डिस्टेंस 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ध्यान दीजिए डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां पे गाड़ी की लंबाई दी हुई है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, लेकिन यही काम करेगा डिस्टेंस का। क्यों काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि अगर एक खंभा है और रेलगाड़ी इसको क्रॉस कर रही है, खंभे को, पुल को या व्यक्ति को, तो इसकी मोटाई को निग्लेक्ट मान लिया जाएगा और ये उतना ही समय लेगी इसको पार करने में जितना अपनी लंबाई को पार करने में समय लेगी। कुल मिला के बात इतनी है कि यहाँ डिस्टेंस की जगह पर रेलगाड़ी की लंबाई रखी जाएगी, और अगर यहाँ पे व्यक्ति ना होके दूसरी रेलगाड़ी होती तो लंबाई में दोनों लंबाई को प्लस कर दिया जाता, वही आ जाता आपका दूरी। ध्यान रखेंगे लंबाई को ही प्लस कर देंगे और आ जाएगा दूरी, जबकि यहाँ दूसरी रेलगाड़ी नहीं, एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के मोटाई को निग्लेक्ट मान लेंगे और उसके बाद जो लंबाई है रेलगाड़ी की वही काम करेगी, किसकी, दूरी की, डिस्टेंस की।
ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, 100 मीटर। तो भाई मीटर को हमें बदलना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर में। क्यों बदलना पड़ेगा, अब वो देखिए, बदलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि नीचे हमने क्या लिया स्पीड, और स्पीड आपने क्या लिया भाई एफ प्लस फाइव, ये किसमें लिया किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये सेकंड बदल लो मिनट में, इस मीटर को बदल दो, या तो ये जो किलोमीटर है इसी को बदल लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही बदलना है, दो एज यू विश व्हाट यू डू, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर सही आएगा। तो हम इसी को किलोमीटर पर आवर को बदल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने का क्या तरीका है भाई, 18/5। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये कैसे कैसे, तो हमने देखा था पहले लेक्चर में कि जब किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करते हैं किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं 1000, और नीचे आता है 60/60 सेकेंड में, तो कटमिट क्या आता है 5/18। अब ये सेकेंड में, ये मीटर में, ये भी मीटर पर सेकेंड में, इक्वल यूनिट आ चुकी है, और ये इक्वेशन आपका बन गया। यहीं पे सारा काम था, ये जो रामायण थी, ये रामायण उनके लिए है जो पहली दूसरी बार ये चीजें सीख रहे हैं, जो सीख चुके हैं वो तो यहां से हटाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे, काम खत्म। यहां भाई देखिए ये वैल्यू पलट के चली जाएगी ऊपर, तो ये आएगा 6 = ये डिवाइड का डिवाइड है, ये पलट के चला गया ऊपर, तो 100 × 18 ऊपर आया, और नीचे क्या बना भाई, ये देखिए 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहां लिख लेते हैं पहले f + 5 × 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको उठा के यहां पे रख देंगे, इसको उठा के यहां रख देंगे, क्रॉस में भेजेंगे, तो डिवाइड का डिवाइड है नीचे में है, तो यहां से वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा भाई देखिए। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, काट लेते हैं, कट रहा है तो 5 से 100 कट रहा है कितनी बार में, 20×5=20 टाइम में। अब इसको यहां भेज दीजिए, तो यहां पहले से क्या है 6, और x+5 वहां गया। ध्यान रखेंगे कि दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगा के भेजेंगे, क्योंकि यहां बीच में मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक, ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत होने का चांस हो जाएगा, या तो आप यही दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके तब भेजो, और बराबर में क्या बचा भाई 20 × 20 × 18। कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से खुला तो 6x आया, और 6×5=30, बराबर में 20 का मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ गया 18×36 360, तो 6x बराबर क्या आ गया 360 माइनस का 30, ये प्लस वाला इक्वल के इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अब देखिए 6x बराबर आ गया 330 आया क्या, ये माइनस हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 330 बटे में 6 से काट लीजिए, 6×5=30, 6×6=36, 56 आया, 6×5=30, 5 बच रहा है ना, 36 कहां से, 6×5=30, 30 कटा यहां, यहां से 3 बचा और यहां एक 0 बचा, फिर से 30 आ गया, 6×5=30 55, और 55 आ गया। ध्यान रखिए हमने ये किसमें निकाला है भाई, मीटर पर सेकंड में निकाला है, तो यहां पे यूनिट जो है ये यूनिट किसमें आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि सब कुछ सेकंड में है, ठीक, तो इट्स माय फॉल्ट, यहां रहेगा मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई बात, कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए कैसे कैसे काम हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे दूसरा क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे हमने क्या किया, दो ट्रेन चला दी, पिछले वाले में आदमी चल रहा था तो उसकी डिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे दो ट्रेन है, क्या है सवाल कि 120 मीटर लंबी तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में, सारा खेल यहीं पे है देखिए फॉर्मूले में, कि दिशा कौन सी दिया हुआ है, एक समान दिशा दिया हुआ है या विपरीत दिशा दिया हुआ है। जब विपरीत दिशा रहेगा, देखिए लंबाई तो दोनों की प्लस होगी, दोनों ट्रेन की, चाहे एक ही दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, लंबाई दोनों की प्लस होगी, प्लस और माइनस, माइनस क्या होता है, चाल, चाल में प्लस माइनस आता है, प्लस कब होगा चाल, जब दोनों विपरीत दिशा में आ रही हो, यानी आमने सामने आ रही हो, तब चाल बढ़ जाएगी,
इसलिए चाल को प्लस करेंगे। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में एक साथ चल रही हो, अब देखिए एक दिशा में आ रही हो चाहे विपरीत दिशा में जा रही हो, दोनों कंडीशन में चाल को प्लस किया जाएगा। लेकिन जब दोनों एक ही तरफ आ रही हैं या जा रही हैं, ये कंडीशन में चाल माइनस हो जाएगा। आई होप कि अगर ये छोटी सी बात पता चल गई या माइंड में सेट हो गया तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ दो लंबाई दी हुई है दो ट्रेनों की, तो हमने पहले बात कर ली कि ट्रेन की लंबाई ही काम करेगी दूरी की। अगर एक ट्रेन है खंभे से या व्यक्ति से कंपेयर किया गया है तब उसकी सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई दूरी का काम करेगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा ट्रेन है, दो ट्रेन है या कोई पुल है लंबा या प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे जो टोटल दूरी आएगी वो पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई लिखेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या निकालना है भाई, कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी, हमें निकालना है टाइम टी, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसी फॉर्मूले का यूज करिए, काम खत्म। टी आपको निकालना है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है पहली ट्रेन 126 मीटर चल रही है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 114 मीटर, और हमने पहले ही देख लिया डिस्टेंस वही होगी जो उनकी लंबाई होगी ट्रेनों की, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सवाल नीचे है कि जो स्पीड है दोनों की, स्पीड 14 किलो 30 और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इनको प्लस करना है या माइनस, तो भाई हम देखेंगे डायरेक्शन, दोनों की विपरीत डायरेक्शन है यानी आमने सामने आ रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, उस कंडीशन में जो इनकी स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। तो स्पीड कितनी 30 और प्लस में 42। अब ध्यान रखिए क्या कि यूनिट ध्यान रखना है भाई, आपने जो लेंथ ली हुई है मीटर में, मीटर में तो ये मीटर में है, तो ये स्पीड भी मीटर में होना चाहिए यानी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और ये दिया किसमें है किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में यही सब छोटी छोटी पॉइंट्स पकड़नी रहेगी, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आना है, हमेशा यही आता है, इस बार भी आएगा, शब्द अगर पकड़ लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आई थिंक ये बात याद हो चुकी होगी। अब इन दोनों को कर लो प्लस भाई, 6 4 10 का जीरो पहले लगा, 1 2 1 3 4 और 1 1 2। अब देखिए डिवाइड के डिवाइड में है ये 18, तो ये पलट के चला जाएगा ऊपर, यानी 18 चला गया ऊपर, और नीचे क्या आया, नीचे इन दोनों को कर दिया प्लस, 30 और 40 70, 70 2 72, और गुणे में है कौन 5, गुणे में है 5, और ये जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा या आवर में या मिनट में, ऑब्वियसली सेकंड में आएगा भाई, बिकॉज हमने चाल को स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ये मीटर ऊपर वाले मीटर से कैंसल आउट, ये सेकंड पलट के चल गया ऊपर तो सेकंड ही बचा। खैर ये कहां से कैसे ऊपर गया छोड़ दीजिए, सीधी सी बात टाइम निकाल रहे हैं, सब कुछ मीटर और मीटर सेकंड में है तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। काटिए पीटिए आंसर आपका, 18 4 72 होता है क्या, 18 4 72, और 4 से 24 कट जाएगा 6 4 24, और 5 से 60 कट गया 12 5 7, 12 5 7 यानी कितना गया 12 सेकंड। बहुत छोटा कैलकुलेशन, बहुत छोटा है, 10 सेकंड जो कहते हैं आप, 15 सेकंड 10 से 15 सेकंड में है, कब, जब छोटी छोटी बारीकियां पता होता, बारीकियां पता होनी चाहिए, और जब ये बारीकियां छोटी छोटी, देखिए मैथ है कभी इसके कॉन्सेप्ट बदलते नहीं है, रेयर केस में कभी कभी नया कुछ रिसर्च हुआ तभी बदलेंगे, ठीक, बाकी तो वही दिन रात हर साल वही आना है, बुढ़ापे तक आप देखोगे ये फॉर्मूला नहीं बदलना है, बूढ़े हो जाओगे नाती पोतों को देखोगे पढ़ते तो इसी मेथड से इसी क्वेश्चन को बनाते हुए मिलेंगे, जब एक बार सीखना है तो सीख लेते हैं मन लगा के, ठीक है।